गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा आज पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस सब जगह फैल चुका है, बहुत बार हर आदमी कोई ना कोई अपने अनुभव से कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहा है। इस ज्ञान में मेरा भी एक सहयोग होना चाहिए, ऐसी मेरी सोच से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हर आदमी जो बीमार है कम से कम 100 से 200 आदमी को बीमार कर देता है। ऐसे ही हिंदू धर्म में एक मंत्र है, श्री मंत्र हमारे शरीर को भी स्वस्थ कर सकता है और आसपास के ओरा को भी आगे कंट्रोल कर सकता है कि हमारे एक बीमारी ना लगे। आप इस मंत्र का उच्चारण बहुत आसान से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसको जोर से बोला जाए, मन में भी बोल सकते हैं और मौखिक रूप से भी बोल सकते हैं। जब आप मौखिक रूप से बोलेंगे तो वायु शुद्ध होगी और जब आप अंदर से उच्चारण करेंगे तो रोग स्वस्थ होंगे। अगर आप चाहते हैं आपके घर में नेगेटिविटी खत्म हो जाए, पॉजिटिविटी बढ़ जाए, तो जैसा मैं आपको बता रहा था, श्रीम एक कॉपी पे लिखकर इस पेज को अगर किसी भी दरवाजे पे लगा दिया जाए तो वहां पर नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। नेगेटिविटी खत्म होगी तो पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ेगी। और हमने कभी भी दुख को नहीं खत्म करना, सुख बढ़ाना है, यही सोच से मैं आपको बताना चाहता हूं। श्रीम मंत्र का उच्चारण दिन में कम से कम 3000 बार करें और जिनके रोग है बहुत आसानी से ही आप अपने शरीर के रोगों से मुक्त हो सकते हैं। अपने हाथ में उल्टे हाथ की हथेली पे सीधे हाथ की बीच की उंगली, जिससे तिलक लगे, सिंपल श्रीम अपने हाथ से लिखते रहें। इसके लिए कोई इंक नहीं चाहिए। ऐसा करने मात्र से आपके शरीर के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती रहेगी। जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी, नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी। थैंक यू।